स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में बिहार दरोगा घटना चक नंबर 2 देखने वाले हैं। बिहार SI मुख्य परीक्षा 2021 में पूछे गए प्रश्न हैं, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। कम समय में इसका रिवीजन हम लोग कर लेंगे। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का आभासी चपटापन किस परिघटना के कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर ए। अपवर्तन के कारण रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं और पानी में डूबा हुआ सिक्का या मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देती है। छड़ी जो है तिरछी नजर आती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल 1915 में पूछा जा रहा है, तो यह हो जाएगा बुल्गारिया। वहीं 1914 में कौन शामिल हुआ था? तो यह शामिल हुआ था ऑटोमन साम्राज्य। टिहरी बांध की नदियों के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना, भागीरथी और भिलांगना यह कहाँ है? तो टिहरी गढ़वाल जिला उत्तराखंड। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है। आगे बढ़ते हैं, इसका डिस्कशन दिया गया है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है, जिसके कारण इसकी चालकता बढ़ती है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट है रीजनिंग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। वीडियो को फास्ट करके सॉल्व कर लीजिएगा या फिर देख लीजिएगा, अच्छे ढंग से देख सकते हैं, साथ ही साथ सॉल्व भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट आंसर डी दिया गया है, यहाँ पे सॉल्व भी किया गया इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से न्यूनतम संख्या कौन सी है? इसमें से न्यूनतम संख्या 7/11 है, 7/11 है। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? मैसूर का राजा बनाया गया था कृष्णराज तृतीय को, कृष्णराज तृतीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णराज जो तृतीय था यह वाडियार वंश का शासक था। वाडियार वंश का शासक था। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट, इसका रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट और दिया गया है Na2SiO3। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? राज्यसभा का जो सीट है अनुसूची चार में है। दसवीं अनुसूची में दल बदल है और पहली अनुसूची में संघ राजक्षेत्र का नाम है और पाँचवीं अनुसूची में SC ST के बारे में कुछ प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 11, 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या है, 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो 24 है, निकालना भी गया है, आप देख सकते हैं। जलियांवाला की घटना किस वर्ष में घटित हुई? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1971 ईस्वी में, 16 दिसंबर 1971 ईस्वी में। पाकिस्तान से अलग हुआ था। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? चांदी जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं है, जबकि हॉर्न सिल्वर, मानिक सिल्वर और लूनर कास्टिक इसमें चांदी है। जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु तांबा, निकेल व जस्ता पाया जाता है, लेकिन चांदी नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? स्टार्च के पाचन से एमाइलेज एंजाइम स्टार्च के पाचन से संबंधित है, जो अग्नाशय रस का एक भाग है। एमाइलेज स्टार्च का विघटन करके उसे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 16, मैथ से क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित का मिलान करें, मिलान करने के लिए दिया गया है, जैसा कि देख सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, मिला लीजिएगा। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्ध वामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, विद्या। विद्या जो है यह हमारे देश में गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है। क्वेश्चन नंबर 19, जया जो है चावल की किस्म है, जया चावल की किस्म है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई में अवस्थित है। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1955 में किया था। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो पेराम्बूर में, चेन्नई में। और इसका उद्घाटन कौन किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1955 को। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया?
कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? तो चंद्रशेखर ने नहीं किया, जबकि चरण सिंह, एस डी देवगौड़ा, पी वी नरसिम्हा राव ये सब मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। चरण सिंह जो है चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पी वी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, एच डी देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनियॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? रोगानुरोधक के रूप में। क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनियॉल का मिश्रण रोगानुरोधक का काम करता है। पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, उनकी आयु का गुणनफल 147 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा देख सकते हैं, दिया गया है, सॉल्व भी किया गया है। कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तन करता है? कौन सा जीवाणु दूध को दही में? तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पदार्थ है? अनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पदार्थ यह हो जाएगा, खाद्य पादप कौन सा है? तो यह हो जाएगा सुनहरा धान, सुनहरा धान, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस। इसमें विटामिन ए की अधिकता होती है, फिलीपींस ने इसका मान्यता दे दिया है। समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है, सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित है? ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए पुत्रवधू हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मेंस एग्जाम में मैथ क्वेश्चन लगभग 20 क्वेश्चन किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में? तो मंदक के रूप में, ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट के अलावा भारी जल D2O का प्रयोग भी मंदक के रूप में किया जाता है। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? मध्य रेल मंडल का मुख्यालय मुंबई CSTC, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय मध्य सेंट्रल रेलवे जोन, मध्य रेल मंडल का सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। आयरन की कमी से क्या होता है? तो एनीमिया होता है, एनीमिया। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो भारत से होकर के नहीं गुजरती है, भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के। मकर रेखा 10 राज्यों से होकर के गुजरती है, वही भूमध्य रेखा जो है यह 13 राज्यों से होकर के गुजरती है, और कर्क रेखा 17 राज्यों से होकर के गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउथ प्रिंसेप, गैबॉन, कांगो, कांगो गणराज, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती से होकर के गुजरती है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है, भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा बांध के जलाशय का नाम गोविंद सागर है। जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह शराब्ती नदी कर्नाटक में, जहाँ आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। जहाँ आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी कौन सा है बताइएगा? तो यह हो जाएगा मुनीस अल अरवा, मुनीस अल अरवा, मुनीस अल अरवा जो है जहाँ आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया? फरवरी 1922 ईस्वी में। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, इस कारण से 12 फरवरी कहीं कहीं 11 फरवरी दिया रहता है, तो उसी टाइम महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, यह 1807.82 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। नकाशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? नकाशीदार कांच के लिए HF का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया? तो 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा, 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक, अमरकंटक। नर्मदा नदी का भी उद्गम स्थल अमरकंटक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा गया, उस वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में आई त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, 4.04%। पुग्गा घाटी स्थित है, पुग्गा घाटी लद्दाख में, पुग्गा घाटी लद्दाख में, यह भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जनपद 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना?
कौन सा जनपद छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो यह मगध शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना, आगे चलकर मगध मौर्य साम्राज्य के रूप में परिणत हो गए। बंगाल में अमला का अधिकारी होता था, बंगाल में अमला जमींदार का अधिकारी होता था, जमींदार का। मुर्रा नस्ल है भैंस की, है भैंस की, हरियाणा और पंजाब वाले क्षेत्र से संबंधित है। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे, पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिस एवं एवी एलेक्जेंडर। मार्च 1946 में भारत कैबिनेट मिशन आया था, 24 मार्च 1946 को। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? अकबर के काल का पोलज, बंजर, परौती, जबकि जरीब नहीं था, ऑप्शन नंबर डी, जरीब भूमि का वर्गीकरण नहीं था। जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर कौन है? 24वें तीर्थंकर का नाम आप लोग याद रखिएगा, कहीं से क्वेश्चन किया जा सकता है। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में की गई थी, 7 मई 1960 को। BRO की स्थापना 1960 में 7 मई को की गई थी। अंकलेश्वर स्थित है तो गुजरात में, अंकलेश्वर गुजरात में से पेट्रोलियम खनिज तेल उत्पादन का केंद्र है। अवध राज का अंतिम शासक कौन था? तो वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। अवध राज की राजधानी लखनऊ थी। क्वेश्चन नंबर 49, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यूमेरिकल दिया गया है, यहाँ पे सॉल्व भी किया गया है। भिलाई दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? भिलाई दुर्गापुर एवं राउरकेला द्वितीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 1961। ध्यान रखिएगा, भिलाई कहाँ है बताइएगा, भिलाई कहाँ है? तो छत्तीसगढ़, रूस की सहायता से। दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से कहाँ में है? तो यह हो जाएगा दुर्गापुर बंगाल में। राउरकेला जर्मनी की सहायता से कहाँ है? राउरकेला उड़ीसा में। निम्न से कौन सी धातु केवल परावैगनिक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो जिंक, जिंक धातु पर, जिंक धातु पर जब परावैगनिक तरंगों की प्रतिक्रिया होती है तो जिंक के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इसे तापीय उत्सर्जन कहते हैं। कौन सी धातु केवल परावैगनिक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो जिंक। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। एक वाहन पी बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, दाई ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, या पुनः दाई ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंचता है, दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में चलेगा? देख सकते हैं दक्षिण दिया गया है। 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे जब उस चित्र को घनाकार में बनाया जाता है? इसका राइट आंसर डी दिया गया है। सर्व समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, IMF के द्वारा। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC। वह क्रिया जिसमें एक आर्कटिक अधिपादव की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है, वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादव की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है सहभोजिता, सहभोजिता। आर्किड का अधिपादव की तरह किसी वृक्ष पर उगना सहभोजिता का उदाहरण है। सहभोजिता में एक जाति के 2 लाभ होता है लेकिन दूसरी जाति को न लाभ होता न ही हानि होता है। प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते हैं? प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो निषाद के नाम से। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें देवसा दर्रा स्थित है? देवसा दर्रा कहाँ है? तो यह हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। यह कुल्लू एवं स्फीति के मध्य अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस पादप की परागकण एलर्जी कारक है? पार्थेनियम, पार्थेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम का भाग नहीं है? चालनी नलिका जो है एंजाइम, कौन सा जाइलम का भाग नहीं, माफ करिएगा, जाइलम का भाग नहीं है, तो चालनी नलिका, ऑप्शन नंबर सी। जाइलम पौधे में उपस्थित एक संवहन ऊतक है जिसका कार्य जल व खनिज पदार्थों का संवहन करना होता है। इसके निम्न भाग है वाहिनिका, वाहिका, तंतु तथा मृदु तक। अतः चालनी नलिका जाइलम का भाग न होकर फ्लोएम का भाग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट।
नेक्स्ट है, कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? कैप्रोलैक्टम का प्रयोग नाइलॉन सिक्स के निर्माण है। स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? स्वेथलिंग कप टेबल टेनिस से। हस्तिनापुर का उत्खनन किसके मध्य हुआ था? 1950-52 के मध्य बीबी ला के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख या मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ से, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, न्यूमेरिकल दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न से कौन सी वस्तु हड़प्पा सभ्यस्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो सूती वस्त्र नहीं प्राप्त हुई, सूती वस्त्र मोहन जोदड़ो से प्राप्त हुई है, जबकि गहने ताम्र सीसा मिट्टी के बर्तन। निम्न श्रेणियों में से कौन से पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? पश्चिमी घाट का भाग कामेत नहीं है, जबकि अनाईमोदी पलनी काडमम जैसे पश्चिमी घाट का भाग है। कामेत उत्तराखंड में हिमालय का भाग है। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? 1917 ईस्वी में। देवराय समिति। किस देवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? तो नागलपुरम की। ऑप्शन नंबर डी। एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं, वह गैस कौन सा है? यह गैस है CO2। कौन सा गैस है? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व किया भी गया है। 73 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। यहाँ पर दिया गया है नियुक्ति करने का जो अधिकार है अनुच्छेद 148 के तहत है। अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक महानियंत्रक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा की गई है। शब्द सेरिकल्चर संबंधित है तो रेशम से। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो आर्चोनिया, ऑप्शन नंबर ए। इसे जलकुंभी भी कहा जाता है। निम्न से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ईरान नहीं है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, यह सब सार्क का सदस्य हैं। 8 सदस्य देश होते हैं, भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए? तो शाहजहां के समय। जमीन बोस जमीन को चूमना। बौद्ध धर्म उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो पाली भाषा। 14 घंटे एक दिन का कितना भाग? तो यह 7/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुचुंबकत्व पदार्थ चुंबक की ओर तीक्ष्ण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। इसका एग्जाम्पल एल्युमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन आदि है। किन मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? हाथी संकीसा स्तंभ पर। मोर का चिन्ह जो मिला लॉरियल नंदनगढ़ स्तंभ पे, यह उत्तर प्रदेश में है। संकीसा स्तंभ जो है यह उत्तर प्रदेश में। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? रेचल कार्सन। नेक्स्ट है मैथ से, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तिलैया बांध बराकर नदी पर। यह कोडरमा में है, बराकर दामोदर की सहायक नदी है। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? एकाधिकार 1813 में और पूर्णतः 1833 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।
कोडरमा किसके खनन के लिए जाना जाता है? कोडरमा अब्रक के लिए, अब्रक के लिए। सुमेलित कीजिए, संवैधानिक संशोधन दिए गए हैं और प्रावधान दिए गए हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देख सकते हैं 101 है जो वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया, वस्तु एवं सेवा कर GST। 102 राष्ट्रीय पिछड़ावर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103 के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। संविधान संशोधन 104 के द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त किया गया। निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है, तो इसका परिणाम समान होता रहता है, यह सही नहीं है। यह लंबी दूरी तक संचारित की जा सकती है, इसका उत्पादन सस्ता होता है, इसकी वोल्टता आसानी से बदली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक डी जी तेंदुलकर। उन्होंने महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी शीर्षक से 8 भागों में यह पुस्तक लिखी है। रेगुड़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो काली मिट्टी के नाम से। महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है। नामेरी बाघ अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? नामेरी, असम। यह कुल 344 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रोग, उसके बाद अस्पताल, फिर भर्ती। अस्पताल ले जाएंगे तो भर्ती करेंगे, फिर रोग का निदान होगा, फिर उपचार। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील, जम्मू कश्मीर। आद्रता पूर्ण दिन में प्रातःकाल के समय यदि एक नरम तने वाले पादप को नीचे क्षैतिज दिशा में तीखे ब्लेड से काट दें तो कटे हुए तने पर द्रव की कुछ मात्रा ऊपर की ओर उठाती है, इसका कारण क्या है? मूल दाब। ऑप्शन नंबर डी, मूल दाब। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज क्या था? दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था। बलबन स्थापना किया था, पुनर्गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पिटली द्वीप या हो जाएगा लक्षद्वीप में। इसका नाम परिवर्तन कर डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण कर दिया गया है। लोकसभा विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों में से 1/10 सीटें हासिल होनी चाहिए। चलिए 100 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप यह क्लास पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।